बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आज भी हम एक ऐसी कब्र के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर से लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं। इसके पीछे छुपी हुई कहानी को शुरू करने से पहले दुनिया भर की सबसे रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मरने के बाद भी बातें कर सकता है, लेकिन यह मुर्दा कब्र के अंदर से आवाजें देता है। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के साथ लगते एक छोटे से गांव की है, जिसमें इरफान नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से इरफान की मौत एक रहस्यमय बीमारी की वजह से हो जाती है, जिसकी असली वजह का पता आज तक भी नहीं लगाया जा सका है। इरफान की मौत के बाद उसे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, लेकिन इरफान के घर वाले उससे इतना प्यार करते थे कि वे लगातार उसकी कब्र पर दुआएं पढ़ने के लिए जाया करते थे। कहते हैं कि कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन जब इरफान का छोटा भाई इसकी कब्र के पास बैठा था तो उसे हल्की हल्की सी गुनगुनाने की आवाज आने लगी। उसके भाई ने चारों तरफ अच्छे तरीके से देखा, लेकिन उसके आसपास में ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था जिसकी वह आवाज हो। इसके बाद उसके भाई ने जब ध्यान से सुना तो वो आवाज कब्र के अंदर से आ रही थी। शुरू में तो उसने सोचा कि ये उसके मन का वहम है, लेकिन अगले दिन जब दोबारा वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वो डर गया था, जिसके बाद उसने यह बात अपने वालिद और बड़े भाई को बताई। पहले तो उन्होंने भी इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने भी कब्रिस्तान पहुंचकर उस आवाज को सुना तो वो भी एकदम हैरान रह गए। यह बात आग की तरह उस गांव में फैल गई थी, जिसकी वजह से डरे सहमे गांव वाले वहां पर उसे सुनने के लिए पहुंचने लगे थे। यह सब देखकर इरफान के पिता उसे कब्र के अंदर से निकालने की सोचने लगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने वहाँ के डीएम को इस बारे में पत्र भी लिखा, जिसके बाद वहाँ के डीएम ने इस घटना पर जांच के आदेश दे दिए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में उनके सामने ऐसा कुछ नहीं आया जो इस बात को साबित करता हो कि कब्र में से वाकई कोई आवाज आ रही है, लेकिन उस आवाज को गांव वालों ने भी सुनने का दावा किया था। इस घटना के बाद से आज तक भी उस रहस्यमय आवाज के पीछे की असली कहानी को नहीं सुलझाया जा सका है, लेकिन इतना जरूर था कि यह कोई मन का वहम नहीं था, क्योंकि अगर यह कोई वहम होता तो गांव वालों को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।